तो अभी जी हम मनठोका वाटरफॉल पे आए हैं और अभी इधर आके तो इधर ट्रैफिक वो टोटल आगे तक जैम ही जाना, मतलब आप देख सकते हैं आगे जिधर तक नज़र जा रही है ना उधर तक ट्रैफिक सारी की सारी जैम है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शुक्रिया। तो ये है जी आज हमारी फर्स्ट मॉर्निंग स्कर्दू में और भाई साहब ये देखिए माउंटेन्स, क्या कमाल की माउंटेन्स है। तो खैर अभी मैं और ये रहे साथ में उसामा भाई, अभी हम सबसे लेट हैं, सबसे लास्ट पे अभी हम जाके तैयार होकर अभी जा रहे हैं और अभी अपने जो भाई हैं बाकी नाश्ता कर रहे हैं, चले हम भी करके आते हैं बस। अभी हम सबसे लास्ट पे हैं और मैं और उसामा, साथ में हमजा था और साथ था वो आगे जा चुके हैं, अभी हम पीछे हैं। अभी हम चलते हैं नाश्ते वगैरह करते हैं और फिर इधर से निकलेंगे। तो आज इस नाश्ते में हमारे पास ब्रेड है और आमलेट है, साथ में चने का सालन है और उसमें है जी पराठे। तो खैर अभी करते हैं नाश्ता और आपसे मिलते हैं अब नाश्ता करने के बाद। तो अभी जी हम मनठोका वाटरफॉल पे आए हैं और अभी इधर आके तो इधर ट्रैफिक वो टोटल आगे तक जैम ही जाना, मतलब आप देख सकते हैं आगे जिधर तक नज़र जा रही है ना उधर तक ट्रैफिक सारी की सारी जैम है। और बाकी रहे अपने बॉय, हाँ जी भाई क्या हाल है सबके? तेज है, तेज है। तो अभी हम इधर खड़े हैं और भाई साहब बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। हमने जाना बेसिकली मनठोका वाटरफॉल और फिर उसके बाद हमने इधर से जाना था सरफरंगा डेजर्ट में। तो अभी मनठोका वाटरफॉल पे कैसे जाना है जो तो टोटल आगे तक ट्रैफिक जाना। तो खैर अभी देखते हैं क्या बनता है। तो अभी जी हम चलते चलते हैं काफ़ी आगे और साथ में बॉय वगैरह अपने। तो इधर जो ट्रैफिक जैम थी वो आई थिंक, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल ठीक है? तो ये आर्मी वाले थे। तो अभी इधर ट्रैफिक जैम थी, पूछा मैंने तो वो कह रहे हैं कि आगे गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा आ गई थी जिस वजह से फिर वो रोड ब्लॉक हो गया, मतलब कुछ इधर से आ गए इधर से आ गए। खैर अभी ट्रैफिक ओपन हो गई है, अभी हमारी गाड़ी तो काफ़ी पीछे है, हम इधर ही आगे कहीं खड़े होते हैं सब और जब गाड़ी आती है उसमें बैठते हैं और फिर आगे निकलते हैं मनठोका के लिए। मनठोका इधर से तकरीबन कोई आधा घंटा 40 मिनट का रास्ता है मेरे ख्याल से तकरीबन। तो खैर अभी तक हम कहीं छाँव में खड़े होते हैं और जैसे फिर अपनी गाड़ी आती है उसमें बैठेंगे और मनठोका चलेंगे और साथ साथ आपको हम ब्लॉग में बताते रहेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो सब्सक्राइब और बेल के आइकन को ऑल पे कर दो। तो अभी जी हम इधर बैठे हुए थे इस जगह पे, हेलो, अभी वो अपनी बस आ गई और हल्की हल्की बारिश भी आना शुरू हो गई है, अभी हम बैठते हैं वो आगे जाके बाग को। तो अभी जी फाइनली हम पहुंच चुके हैं मनठोका और मनठोका पे जी एंट्री टिकट है, ये एक टिकट है 100 रुपये की, एक बंदे की 100 रुपये टिकट है। तो अभी ये सारा मनठोका रहा और अभी चलते हैं वाटरफॉल की तरफ और ये जैसे थोड़ी थोड़ी नजर आ रही है वाटरफॉल, अभी आपको पास से जाकर दिखाते हैं। तो अभी जी हम मनठोका वाटरफॉल पे और जी ये रही वाटरफॉल, इधर से भी लिया है मैंगो शेक और जो कि बड़े कमाल का, मतलब मज़ेदार मैंगो शेक। अपनी जो बाकी टीम है वो है जी वो इस साइड पे, तो वो आगे जो पिक्चर्स बना रहे हैं अभी हम भी चलते हैं और इधर जाके पिक्चर्स बनाते हैं। तो अभी जी हम गए थे मनठोका वाटरफॉल के पास और कपड़े सारे हो चुके हैं जिले वो उधर गए थे पिक्चर्स बनाई हैं। ये वाली भी जाकर पिक्चर बनाई है और सारे तो सुना ये तो कपड़े सारे ये शूज़, ये सारे शूज़ और कपड़े गीले हो चुके हैं। खैर अभी पिक्चर वगैरह बना ली और अभी चलते हैं वापस और अभी जी हमने जाना है सरफरंगा डेजर्ट। तो खैर अभी चलते हैं अपने कोर्सेज में बैठते हैं और दूसरे नंबर पे जो यार ये रश चेक करें, इतना ज़्यादा रश है ना कि कुछ ना पूछें। तो अभी जी हम वापस आते हुए अभी हम जा रहे हैं सरफरंगा डेजर्ट की तरफ और अभी आए हैं जी हम सरफरंगा कोल्ड डेजर्ट पे। इधर जी भाई साहब सेम है जैसे मनठोका पे रश था ना, बिल्कुल सर पे गाड़ियाँ खड़ी हैं और इधर तो वो आगे तक रश ही रश है।
तो अभी हम इधर पता करेंगे जीप्स का, जीप पे राइड लेनी है। तो अभी मैं और साथ हैं रजा भाई हैं, अभी हम जीप्स का पता करते हैं क्या कोई रेट शेट है इनके, और अगर कोई बार्गेनिंग करनी पड़ी तो वो भी करेंगे। बगैर अभी चलते हैं इधर, वो पैराग्लाइडिंग वगैरह बाइक हैं, दूसरी है दूसरी वाली बाइक हैं, हॉर्स हैं, जीप हैं, हमने करना है जीप। तो अभी पता करने जा रहे हैं क्या कोई हिसाब किताब है, पर अभी चलते हैं देखते हैं क्या कोई हिसाब किताब इनका। जीप हम लेंगे पहले कि जीप इधर है कोई, मतलब सारी ना टैलेंट में गई, तो अभी टाइम शॉर्ट है और जीप बनने में टाइम लगना है, इसलिए फिर हम ये भाई हॉर्स राइड करने लगे हैं। इधर आपको अभी हॉर्स राइड करके दिखाते हैं। ओए हाँ जी पता लग गया ना, मैं कह रहा था इतना मजा आ गया। ओए पाँव रखी कसम दब के जोर के इतना लगा जाना है। यहाँ से तेन मैं क्या दिता मज़ा आ गया भाई साहब, अभी राइड की है। ओए होए 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 मज़ा ही आ गया, हॉर्स राइड किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना मज़ा आएगा, लेकिन सही मज़ा है। जब वो भगाया ना घोड़ा तब तो पहले स्टार्टिंग में डर लगेगा, लेकिन फिर जो उसके ऊपर गिफ्ट थी मेरी बहुत ज़्यादा मजबूत भी होगी और मुझे लग गया पता इसे कैसे हैंडल करने। तो भाई साहब मज़ा आ गया, हमने करना था जीप, लेकिन जीप गई हुई है सारी की सारी उधर। तो अभी आना स्टार्ट, वो देखिए ना एक जीप आ रही है अभी, और जो टाइम हमारे पास नहीं था तो फिर हमने कहा चलो हॉर्स राइड करते हैं। और ये हमारे साथ भाई हैं और ये हैं शेखुपुरा से, तो फिर हमने राइड की हॉर्स राइड और इतना मज़ा आया ना। तो अभी हम आ चुके हैं होटल, और होटल आने के बाद अभी जिम खाने लगे खाना, और खाने में है जी आज हमारे पास बिरयानी, साथ में कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह रायता वगैरह, तो अगर अभी खाना शाना खाते हैं और आपसे मिलते हैं आप खाना खाने के बाद। तो अभी जी खाना शाना खाने के बाद अभी हम आ चुके हैं अपने रूम में, और आपको अभी रूम टूर करवाते चलते हैं। रूम टूर मैंने कल वाली वीडियो पर नहीं था कराया, तो अभी करवाते हैं जी आपको रूम टूर। कल हमारा रूम और था, आज हमारा रूम चेंज किया, तो वैसे वो भी ठीक था और ये वाला भी ठीक है। अभी आपको रूम टूर करवाते हैं जी, और ये जी हम रूम एंटर हो गए, इधर जी बेड है। अभी हम सामान मेरा दूसरे रूम में तो लेके आएंगे, बाकी इधर मैंने शूज़ वगैरह उतारे हैं, और ये जी दो कंबल हैं, दो तकिए, और उसके बाद इधर है जी वॉशरूम। वॉशरूम में जी ये कमोड वगैरह ये सारा, और वो सामने रहा शीशा। शीशा थोड़ा सा गंदा गंदा नहीं, बस पानी पूनी लगा हुआ से, तो पानी के निशान है। बाकी ये ऑल ओवर रूम बेस्ट है। इधर मतलब जिधर हम कल थे ना, वो नए रूम बने वो वाले, तो उधर वो सामान वगैरह तो ओके था, लेकिन उधर पानी ना जो वो ठंडा आता था, गर्म पानी नहीं था, तो इसलिए फिर हमने अभी रूम चेंज करवाया कि हमें रूम दे जिसमें गर्म पानी आ रहा हो, क्योंकि सुबह नहाना होता है और ठंडे पानी से तो भाई साहब कुछ ना पूछे नहीं नहाया जाता, तो इसलिए फिर हमने ये गर्म पानी वाला रूम लिया। तो अभी अपना सामान वगैरह लेके आते हैं इस रूम में। तो अभी जब आपने देखा कि बर्थडे शर्डे की बर्थडे थी एक दोस्त की, तो वो फिर हमने इधर होटल में सेलिब्रेट की। बर्थडे इस टूर पे काफ़ी ज़्यादा हो रही है, पहले भी एक हमने की थी, वो हमने की थी हमजा में, और ये हमने की है इधर गर्दू में। तो वो शुगर लगा रहे थे काफ़ी देर, और अभी इधर रूम है ये, एक ये रूम और एक ये थे, ये तीनों रूम अपने बॉयस के हैं। हमारा रूम नीचे जो हमने रूम लिया है, हमने खुद ही नीचे लिया रूम, तो इसलिए फिर अभी इधर बैठ के ऊपर ही सारे बैठे हुए थे इधर इस रूम में ये वाले में, तो इधर बैठ के काफ़ी शुगर मिला लगा रहे थे। तो अभी हमने कहा चलो यार अब सो जाते हैं, तो अभी हम सोते हैं और सोना कहाँ है अभी, पहले ब्लॉग वगैरह एडिट करूँगा और फिर उसके बाद सोऊंगा। तो खैर आज के ब्लॉग को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा है तो इस ब्लॉग को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ लाजम शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना
बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह ने ये बना।